हमने आपको दिखाया था कि शहाबुद्दीन पे जिस तरीके से लगातार बातें हो रही है अजय तिवारी जी से, और उसके बाद तीसरा एपिसोड हमने आपको दिखाया था। तीसरे एपिसोड में यह हमने आपको दिखाया था कि कैसे शहाबुद्दीन जेल में रहते हुए जीरादेई के विधायक बने थे 378 वोटों से। हालांकि उस वक्त उन्हें हराने का प्रयास किया गया, लेकिन समर्थकों ने इस तरीके से वहां पर हंगामा किया कि बिल्कुल जो चुनाव का जो रिजल्ट है वो मोहम्मद शहाबुद्दीन के पक्ष में आया और जेल में रहकर विधायक बने। अब हम चौथे एपिसोड की तरफ हैं और लगातार जिस तरीके से हम मोहम्मद शहाबुद्दीन पे जो एपिसोड चला रहे हैं, इस एपिसोड को आप लोग अन्यथा नहीं लेंगे। हम चाहते हैं कि सिवान के जो सांसद कई बार सिवान के सांसद के तौर पे अपना प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, और देश में अगर दो चार सांसदों की नाम आती है विकास के मामले में तो उसमें शहाबुद्दीन की नाम की भी चर्चा होती है, बड़े बड़े अखबारों में भी छपे थे। इसलिए हम चाहते हैं कि शहाबुद्दीन तो आज है नहीं, लेकिन कम से कम उनके समय में क्या कुछ हुआ, किस तरीके से पॉलिटिक्स में आगे बढ़े छात्र जीवन से, ये तमाम चीज़ हम दिखा रहे हैं। तो 90 में जेल में रहते हुए वो विधायक बने जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से, उसके बाद फिर वो अगला कब विधायक बने, किस तरीके से उनकी राजनीतिक जो कैरियर हुई आगे बढ़ता गया, इस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। कि अजय जी ये बताइए कि जेल से रह कर तो वो विधायक बन गए, उसके बाद फिर क्या हुआ, कैसे लालू जी से संपर्क उन्हें हो गया? देखिए गवर्नमेंट जब लालू जी की बनी तो उसमें था कि रघुनाथ झा एक कैंडिडेट थे, एक श्याम सुंदर दास जी थे और लालू जी थे, लेकिन जनता दल ने लालू जी को उम्मीदवार बनाया, लालू जी मुख्यमंत्री बने। एज ए इंडिपेंडेंट इन्होंने लालू जी को समर्थन दिया। समर्थन देने के बाद लालू जी भी गोपालगंज के ही सिवान के एक मुस्लिम लड़का नया उभरता हुआ, तो लालू जी का भी सपोर्ट मिला, पढ़ा लिखा आदमी, हर चीज़ अपने क्षेत्र के विकास के लिए ही, जब भी लालू जी से मिले अपने क्षेत्र के विकास के लिए ही मिले, उसी इशू पर इनकी चर्चा भी होती थी लालू जी से। लालू जी को लगा कि भाई नहीं, लड़का डायनेमिक है, इसको सपोर्ट करो, अपना लालू जी सपोर्ट किए, सब कुछ अच्छा चला। उसके बाद इनको मैंने जो विपक्षी दल थे वो काफ़ी परेशान करने की कोशिश की, बहुत अंडर एज का केस हाई कोर्ट में फाइल किया, दो तीन बार इनके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ। एक बार याद होगा आपको, आपको नहीं होगा लेकिन आप जो लोग हैं उनको होगा, कि जा रहे थे पटना, तो एक बर्मा ट्रांसपोर्ट था, बर्मा ट्रांसपोर्ट अभी भी है, तो बर्मा ट्रांसपोर्ट से इनको कुचलने की कोशिश की गई इनके कार को, तो बहुत जगह ऐसे हुआ जिसके कारण लोग इनके साथ जुड़ते चले गए, लोग इनके साथ अत्याचार, माने लोग जो विपक्षी दल था वो डे फर्स्ट से नहीं लाइक करता था शहाबुद्दीन को, उनको डर था कि ये लड़का उभरेगा तो फिर हम लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। और एक सबसे बड़ी वर्ग जो था वो विरोधी था, जो क्राइम को सपोर्ट करते थे, जो माफियागिरी करते थे, उन लोग एक मंच पे आ गए, आके इनका विरोध करना हर जगह शुरू किया, और ये उस चीज़ को मतलब जैसे स्टूडेंट लाइफ में किया वैसे ही यहाँ पर भी इन्होंने शुरू किया। अफजाल भाई थे, मरहूम अफजाल भाई, जिनके लोग कहते हैं हत्या हो गई लेकिन एक्सीडेंट था वो, तो अफजाल भाई इन निकलने के बाद अफजाल भाई के पास गए पटना, उन्हीं के यहाँ रहते भी थे, जब तक क्वार्टर नहीं मिला तब तक उन्हीं के पास रहते थे। अफजाल भाई भी एक पढ़े लिखे अच्छे सोच के लीडर्स थे मरहूम, तो अफजाल भाई और ये दोनों आदमी एक अलग डायरेक्शन पे जितने यूथ थे हर वर्ग के सबको साथ लेके चलना शुरू किया, और ईमानदारी के साथ, जो ईमानदारी पहले जो लोग थे अगर वो करते तो शायद हम लोग नहीं उभरते, लेकिन वो लोग ऑनेस्टी के साथ वो ईमानदारी नहीं दिखाया अपने क्षेत्र में, लेकिन इन्होंने दिखाया, दिखाने के कारण ये रहा कि हर आदमी इनके साथ अटैच होते जुड़ता चला गया, जुड़ने के कारण ये रहा कि जितने लोग विरोध करते थे उतने ही उभर के आगे आते थे। अपने क्षेत्र का विकास, रोड हुआ, हैंडपाइप का उस समय काफ़ी डिमांड था, हैंडपाइप हुआ या और भी जो वर्क था सारा काम इन्होंने, स्कूल का मरम्मत या रूम जो भी था बहुत अच्छे से बहुत ऑनेस्टी के साथ इन्होंने उसको डेवलप किया, जिसके कारण हर आदमी इनसे अटैच होता चला गया, इनके ऊपर अटैक भी हुए, नॉमिनेशन करने जा रहे थे उस दिन, उसके एक दिन पहले एक मजार पर जा रहे थे वो, तो रास्ते में पचरुखी में लोगों ने अटैक करने की कोशिश की, जिसमें कि एक दो क्रिमिनल मारे गए, काफ़ी फेमस रहा।
तो इस सब चीज़ से पब्लिक एकदम इनके साथ जुड़ते चली गई और ये दिन बाई दिन आगे बढ़ते चले गए, जिसके कारण बिहार लेवल में हर जगह चर्चा का विषय हो गया, पटना में भी हुआ, बीच में कुछ पार्टी में कुछ वर्क के लेके अगर ही हुआ तो बीच में तो रिजाइन भी कर दिए थे विधानसभा से रिजाइन भी कर दिए थे, स्पीकर को अपना लेटर भेज दिए थे। एक्सेप्ट हुआ कि नहीं? नहीं एक्सेप्ट नहीं हुआ, बाद में लालू जी ने उसको पता नहीं क्या बातें हुई, बारी साहब थे हम लोगों के बड़े भाई, अभी भी हैं बारी साहब बीच में पड़े, लालू जी पड़े, सब लोग स्पीकर के फिर लेटर को वापस किया गया, मान मनोबल हुआ इनका। कारण क्या था कि आखिरकार ये? कारण वही था, कारण शहाबुद्दीन का था कि हमारे क्षेत्र में विकास प्रॉपर नहीं हो रहा, अगर विकास नहीं होगा तो हम फिर किस आधार पे हम जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, किस हैसियत से हम कहेंगे कि हम सरकार को समर्थन दे रहे हैं, हमको फंडे नहीं मिला, हम अगर क्षेत्र का विकास नहीं करेंगे तो फिर हम दूसरा मुंह लेके जाएंगे नहीं। चुनाव जीते होंगे तो वादा किए होंगे। हाँ, उससे अच्छा है कि हम रिजाइन कर दें। सरकार के ऊपर काफ़ी दबाव बना, रिजाइनेशन वापस हुआ, उसके बाद फिर दोबारा चुनाव हुआ 95 में टीएन सेशन के रिजिम में चुनाव हुआ, हर बूथ पर स्टैटिक्स फोर्स थी, जो दबले कुचले लोग थे जो वोट नहीं देते थे वो बूथ पर गया, फर्स्ट टाइम बूथ पर गया। और आपको बता दें कि विपक्षी दल यहाँ, जैसे कि तरवारा उस बेल्ट था, तरवारा कुर्मियों का बेल्ट है, बाबल लेरा का कुर्मियों का, पहले भी उन्हें विधायक कुर्मी हुआ करते थे, त्रिभुवन सिंह हुए नहीं तो उसके पहले कुर्मी ही लोग होते थे। तो पटना से एक माफिया को लाया गया इनके अगेंस्ट हुए जी, संजय सिंह नाम था, उसको लड़ाने के लिए लाया गया था, कुर्मी था, लीडर था, भूमि सेना का आदमी था, उसको ला के यहाँ लड़ाए कि शहाबुद्दीन का जवाब देगा इनके विरोध में। अब पब्लिक ने ऐसा जवाब दिया कि फिर भागा तो फिर सीवान में दिखाई नहीं दिया। 14,000 वोट से जीते थे, 14,000 वोटों से जी, टीएन सेशन के रिजिम में 14,000, जहाँ की पंजाब पुलिस, अदर पुलिस स्टैटिक्स लगी हुई थी हर बूथ पे। उसके बाद आप सोच सकते हैं कि कैसे लोग इनके प्रति अपना प्यार मोहब्बत दिखाए, ऐसे डर के अब माहौल में कोई इतना वोट नहीं देता कि एक विधानसभा में 14,000, वो भी टीएन सेशन के रिजिम में जीतना बहुत बड़ी चीज़ थी। उनकी लोकप्रियता बढ़ती रही, तब तो 378 वोट से 14,000। उसके बाद जैसे 95 का बीता, 95 बीतने के बाद फिर 96 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी लालू जी ने बलबस्ती बोला कि नहीं आपको लड़ना है चुनाव, लड़े। लेकिन इसी बीच में इनका कुछ क्रियाकलाप रहा, जैसे कि आप उठा के देख लीजिए आयुर्वेद कॉलेज में पोजीशन था कि पंडित जनार्दन तिवारी सेक्रेटरी हुआ करते थे उस समय, और रामानंद प्रोफेसर रामानंद पांडे भी थे उसमें, तो सुबह सुबह लोग रामानंद पांडे के घर पे पहुंचे, गाली गलौज रोज का आदत थी, रोज का। आयुर्वेद कॉलेज सही ढंग से चलता नहीं था, आयुर्वेद कॉलेज का जो वही खाता था लोगों के पॉकेट में घूमता था। तो वाइस चांसलर आया सिवान, आए तो फिर वो घूमते हुए मेरे फादर के पास आए, मेरे फादर भी डीएवी कॉलेज में प्रोफेसर थे, उनके पास आए, बोले कि आप कॉलेज को संभालिए, तो फादर ने बोला कि नहीं हम कॉलेज नहीं संभालेंगे, आपके कॉलेज में इतना करप्शन बढ़ गया है उसको रोकना हमारे बस का बात नहीं है। तो फिर बोले कैसे चलेगा, कॉलेज बंद हो जाएगा, एक अच्छा कॉलेज संस्कृत आयुर्वेद कॉलेज है बिहार में, क्या इंडिया में एक इसका नाम है, इसको अगर कर दीजिएगा तो बहुत ही होगा। खैर फादर बोले कि ठीक है हम करेंगे, लेकिन मेरा एक शर्त है, शर्त रखे कि शहाबुद्दीन को कमेटी में लाया जा। तो उन्होंने विरोध किया, वाइस चांसलर एक त्रिपाठी जी थे, उन्होंने विरोध किया कि संस्कृत कॉलेज आयुर्वेद कॉलेज में एक मुस्लिम आदमी कैसे कमेटी में आ सकता। फादर बोले ठीक है, अगर आप मुस्लिम को नहीं लाएगा तो हमको छोड़ दीजिए, हम नहीं आएंगे, कॉलेज सुधारना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ से ऊपर उठना पड़ेगा। खैर एक सप्ताह बाद फिर उनका फ़ोन आया कि नहीं हम रेडी हैं, आप उनको लाइए। फिर शहाबुद्दीन आए आयुर्वेद कॉलेज में, आयुर्वेद कॉलेज में आए तो आयुर्वेद कॉलेज को बिल्कुल एक साल के अंदर चेंज कर दिया, सारा माहौल ही चेंज हो गया, सारा सिस्टम ही बदल गया।
अब सिस्टम बदलने के कारण वो एक ऐसा मैसेज लोगों के बीच में गया, एजुकेशन जगत में जो भी लोग थे क्यों हाथों हाथ वेलकम किए। डीएवी कॉलेज में आप उठा के देख लिए, बहुत सारा वर्क किए, इनका क्षेत्र नहीं था डीएवी कॉलेज, सिवान सदर अलग, सिवान सिद्धांत जीरादेई के विधायक जीरादेई में थे या सिवान विधानसभा में था, लेकिन उसके बाद भी सिवान डीएवी कॉलेज में इन्होंने ऐसा बहुत सारा वर्क किया जिसके कारण के एजुकेशन वर्क के लोग इनके साथ अटैच होते चले गए, जिसका देन था कि 14,000 वोट से जीते। और उसके बाद एक साल बाद जस्ट लोकसभा का चुनाव हुआ, चुनाव लड़ना नहीं चाहता। हम आपको रोकेंगे, हम चाहेंगे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जेल में रह करके चुनाव जीत गए, उसके बाद से फिर 95 का भी चुनाव वो जीत गए, लालू यादव से संपर्क इनको कौन से नेता ने कराया? आखिर तो कोई ना कोई तो व्यक्ति होगा जो बीच में मेडिएटिंग किया होगा, लालू यादव के पास वो लोग ले गए होंगे, तब तो वो जनता दल का टिकट उन्हें मिला होगा ना। देखिए बहुत यूनिक क्वेश्चन आपने किया, हम आपको बता दें उस समय एमपी हम लोगों के हुआ करते थे गफूर साहब, और उसके पहले पंडित जनार्दन तिवारी थे। गफूर साहब जब हुए तो पहले दंगा होगा, मुसलमानों में एक बात थी कि दंगा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये डर उनके अंदर था। तो गफूर साहब के पास हम लोग गए एक दिन पटना में मिलने के लिए, संजोग से आए हुए थे। तो गफूर साहब बोले कि गाय खाने वाला आ गाय काटने वाला, देखिए बहुत गाय खाने वाला और गाय काटने वाला जब दोनों एक साथ आ जाएगा तो दंगा नहीं होगा, यही समझो तुम, और तुम लालू यादव को सपोर्ट करो। मतलब कि गफूर साहब मोहम्मद शहाबुद्दीन जी, तुम लालू यादव को सपोर्ट करो, उनके साथ मिलके चलो, अरे गवर्नमेंट चलेगी, लालू यादव एक जनप्रिय लीडर के रूप में उभरे हुए हैं अपने क्षेत्र के, हैं इनको सपोर्ट करो। इन्होंने सपोर्ट किया, लालू यादव इनको उसके बाद बहुत मारना शुरू किया। लालू यादव उस आपको बता दें एज ए बेटे की तरह ट्रीट करते थे, सबकी बात कट जाती थी लेकिन शहाबुद्दीन की बात नहीं कटती थी। 95 के पहले विधानसभा विधायक थे तब की बात बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ थी। तो इन लोगों के बीच जो प्यार मोहब्बत था, कहने के लिए तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने करवा, लेकिन सिवान के जो उसमें लीडर थे श्री शंकर यादव जी नहीं हैं अभी, औद बिहारी चौधरी जी, इन लोगों का भी रोल रहा, इन लोग भी लालू यादव से बहुत करीब थे, इन लोग ने भी मिलवाने की कोशिश की, इन लोग भी साथ में थे, सब लोग एक ज्वाइंट एक साथ मिलके। अच्छा उस वक्त मोहम्मद शहाबुद्दीन की शादी हुई थी कि नहीं? नहीं शादी उनका 91 की शादी है, 91 पहली बार विधायक बने निर्दलीय, तो उस वक्त शादी नहीं हुई? नहीं नहीं शादी उस समय नहीं हुई थी उनकी, 92 की शादी है, दिसंबर 92 की शादी है। हाँ यानी कि जनता दल से विधायक दूसरी बार विधायक बनने के पहले वो शादी की है। जी तो शादी पे आप आ रहे हैं तो हम लोग दूसरे एपिसोड में इसको चर्चा कर चलेगा। शादी के लिए बहुत लोग आते थे, बहुत लोग। इनके कुछ कोई राजनीतिक गुरु तो होंगे ना? राजनीतिक गुरु स्कूल आप बताएं ना कि स्कूल टाइम में रामाधार सिंह थे, कामरेडर रामाधार सिंह थे, उसके बाद तो बहुत सारे लोग आए लेकिन कोई गुरु नहीं बना, शहाबुद्दीन का कोई गुरु नहीं था रामाधार सिंह को छोड़ के। एक चीज़ आपको बता दें, कहने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन कोई गुरु नहीं रहा, शहाबुद्दीन जो काम किए अपने बदौलत किए, अपने ईपी किए और बढ़ते चलेगा। एक चीज और आप जिक्र कर रहे थे कि हेमंत सिंह, क्या वो थोड़ा सा देखिए अभय पांडे और क्या? नहीं 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 अभय वही बताया ना कि आपको बता ना कि जो शहर में उस समय रंगदार हुआ करते थे, अपने को बहुत तो बनते थे, उनको कोई गोली नहीं मारता था, एक तबड़ा उनकी रंगदारी जीरो हो जाती थी। अभय पांडे जी थे, बहुत अच्छे सोशल वर्क, मैंने स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट देहात से आते थे सबको बहुत मानते थे, बहुत प्यार देते थे, जिसके कारण लोग उनके लिए फिदा थे। हेमंत सिंह के साथ भी वही था, हेमंत सिंह के साथ हमसे सीनियर थे, हम लोगों से बहुत सीनियर थे। 95 में चुनाव भी लड़े थे वो, निर्दलीय हार गए अलग बात है, उनके नॉमिनेशन में भी हम गए हुए थे अपना बुलेट लेके। तो हेमंत सिंह बहुत
मैंने क्या बताया आपको, मर टाइप का आदमी, मर गया अलग चीज़ हुआ। जब गोली चलती है तो लगती ही है, किसी ना किसी को लगेगी ही, गोली तो किसी के दोस्त होता नहीं है जिसको छू दे। तो रामा चौधरी को बचाने के चक्कर में हेमंत सिंह ने अपनी जान दे दी। हेमंत सिंह बहुत मर्द आदमी थे, हेमंत रामा का एक अलग युग था, हर आदमी उस समय चर्चा का विषय है कि हेमंत रामा हेमंत रामा। वही अभय पांडे थे, फिर से नौशेर साई थे, उस समय ये जब आप गिना रहे हैं पाल सिंह थे, गौतम सिंह थे, सब लोग शहाबुद्दीन मोहम्मद शहाबुद्दीन के काफ़ी खास। नहीं खास में इलो नहीं रहा, अभय जी से थोड़ा बहुत था, वो कब था 85 के चुनाव के पहले, उसके बाद नहीं था। 86 में तो शायद उनकी हत्या हो गई, लेकिन 85 के पहले अभय जी से जो भी इनकी मुलाकात थी हमारे घर पे हुई थी, इलेक्शन के संबंध में वो आते थे हमारे यहाँ, तो उसी समय वो यहीं रहते थे, तो मुलाकात हुई दो तीन बार। ये अभय जी के सपोर्ट में भी थे स्टार्टिंग में, जो 85 का इलेक्शन जो अभय जी लड़े थे उसमें इन्होंने अभय जी को, तो चुनाव में थे नहीं गाँव पर, लेकिन जो भी लोग इनके समर्थक थे सबको बोले थे कि नहीं अभय जी को सपोर्ट करना है, और हम लोग सपोर्ट किए भी थे। ये सारी चीज़ें थी। अचानक से क्रेज कैसे बढ़ गया मोहम्मद शहाबुद्दीन का? अब बोले नहीं ना, आपको बोले ना कि दो तीन अटैक इनके ऊपर लोगों ने, इनको जितने दबाने के लोग कोशिश किए, हटाने के रास्ता से कोशिश किए, उतने ही आगे बढ़ते चले गए। गलत का विरोध करना शुरू कर, वही चीज़ एक तरफ सारे माफिया एक तरफ अकेले ही, पब्लिकली सपोर्ट, पब्लिक का सपोर्ट भाई। जैसे देखिए आप उठा के देख लीजिए, गांधी जी अकेले लाठी उठा के चले थे, शहाबुद्दीन में एक मेरिट कहिए या डिमेरिट कहिए आज के पॉलिटिक्स के लिए, जो मैंने हमसे पूछिए हम बहुत क्लोज रहे हैं, हम बोलेंगे नहीं वो सही किए, लेकिन जनरल लोगों से पूछिएगा तो लोग बोलेंगे नहीं शहाबुद्दीन का पॉलिटिक्स गलत था। आज ईमानदारी का ज़माना नहीं है, और ईमानदारी का लाठी ढोने के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर दिए, अपनी फैमिली को बर्बाद कर दिए। आज उनका बेटा, उनकी बेटियां, उनकी पत्नी, बेटा बाप के लिए तरस गया कि बाप का प्यार हमको मिले, जब बाप की जरूरत आई तो बाप जेल चले गए। वो किसी अपने लिए नहीं गया है, शहाबुद्दीन जेल अपने लिए कभी नहीं गया है, अपने किसी स्वार्थ के लिए आज तक किसी को एक चाटा तक नहीं बोले हैं, डांट के भी नहीं बोले हैं, बोले हैं तो इस सिवान की धरती के लिए बोले हैं, किसी को एक चाटा मारे हैं तो इस सिवान की धरती के लिए मारे हैं, कि हमारे क्षेत्र में हमारे ज़िले में ये सब चीज़ नहीं चलेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि शहाबुद्दीन के MLA बनने के बाद दो साल के बाद जितने भी क्रिमिनल थे सब सिवान छोड़ के भाग चले थे, डर से भाग कर निकल गए सब सारे, कि अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी, यहाँ से भाग के चलेगा, यहाँ कोई नहीं था। ये तो एक बहुत बड़ी बात, वही चीज़ कर रहे हैं ना शहाबुद्दीन को, बोले ना आपको कि शहाबुद्दीन ईमानदारी का झंडा ढोके अपने अपने परिवार को बर्बाद कर दिए। आज के हिसाब से जिस तरीके से चल रहा है सिचुएशन पॉलिटिक्स का, कि आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में, तो फिर आज वो सब कुछ ठीक रहते? देखिए आज की पॉलिटिक्स झूठ का बाजार है, ऑनेस्टी पे आप चलिएगा नहीं होगा। आज लड़के आंदोलन कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी आंदोलन करने का? कहीं ना कहीं उनको लगा कि हमारे हक मारा जा रहा है, लेकिन शहाबुद्दीन कभी किसी को हक मार के नहीं जिए, हक दिलवाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, यही फर्क है। शहाबुद्दीन को इस चीज़ नहीं करना चाहिए था एज ए पॉलिटिशियन, एज ए पॉलिटिशियन शहाबुद्दीन को ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए था, लेकिन एज ए मैन पूछिएगा तो हम यही बोलेंगे कि नहीं उन्होंने बहुत अच्छा किया। एक काम हर आदमी को, हर पॉलिटिशियन को, हर जो ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है, जो देश के प्रति सोचता है, अपने जिला के प्रति सोचता है, अपने स्टेट के प्रति सोचता है, उसको ही काम करना चाहिए। तो शहाबुद्दीन, देखिए शहाबुद्दीन मैंने क्या बताया आपको, आज के डेट में क्या
हमको नहीं लग रहा कि 50 साल में बिहार में या कहीं अगल बगल के स्टेट में का कोई व्यक्ति फिर से व्यक्ति पैदा होगा। नहीं, जितना मीडिया ने बदनाम किया, मीडिया डोमेन में, आप पब्लिक डोमेन में चले जाइए, उठा के देखिए, तो जितना निगेटिव, जितना से जितना निगेटिव हो सकता है उतना निगेटिव इनके ऊपर आरोप लगाया गया। लेकिन एक भी आरोप अगर मेरिट पर उसको सुनवाई कर लिया जाए तो ये एक दिन भी जेल में नहीं रहते, नॉट ए सिंगल डे। और हम आप होते तो नेक्स्ट डे बाहर आ गए होते। लेकिन सिस्टम आई इनको देखिए, अब बोलना नहीं चाहिए, कमजोरी एक झलकती है, लेकिन शहाबुद्दीन को मुस्लिम होने का सजा मिला। वही काम कोई हिंदू किया होता तो आज देश का सर्वोच्च नेता बना होता। हमको ये बात नहीं बोलनी चाहिए, कमजोरी झलक रही है, लेकिन आज वो है नहीं। आज उनके विरोधी भी चीज को बोल रहे हैं, तो जो काम वो किए उसी का रिटर्न उन्होंने कैसे, मतलब एक नया लौंडा कितना दिन का, 23 वर्ष की उम्र में बने हुए थे विधायक, 90 में आप उठा के देख लीजिए, 67 10 मई 67 का इनका सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, 90 में ही MLA बने, तो आप उठा के देख लीजिए कितने साल हुआ, तो ऐसे कोई नहीं बनता भाई। कुछ तो था उस आदमी में, क्वालिटी तो बिल्कुल थी, कहां किसी के पास है। आप बताइए ना कौन आज के नेता, बहुत सारे नेता लड़े, बहुत अपने को माफिया बन रहे, बहुत कि हम पब्लिक ले ही करते हैं वो करते हैं। आप उठा के देख लीजिए, लोग कहते हैं कि शहाबुद्दीन के नाम पे ही प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है, कहीं बता दें दिल्ली में एक भी उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी हो। एक पटना में लास्ट में पैसा दे के खरीदा हुआ जमीन है, और कहीं कोई बता दे। कहने के लिए लोग बोलते हैं कि हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग भी कहीं जाते थे, तो लोग यही कहते हैं अरे क्या बात है, आप दोस्त हैं और ऐसे हैं, हो ही नहीं सकता। कहीं भी अगर मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम आता था तो लोग, बाहर के लोग थोड़ा सा निगेटिव सोच के तहत देखिए, वो निगेटिव देखिए, एक प्लानिंग के तहत जो विरोधी थे पहले इनको हटाने की कोशिश किए, जब ये नहीं हटे तो इनको बदनाम करने की कोशिश की गई। अब अगले एपिसोड में हम आपको और भी बहुत सारा चीज़ बताएंगे, बदनाम करने की कोशिश की गई। एक 23 साल का लड़का अगर ऑनेस्टी के साथ काम कर रहा, ऑनेस्टी के साथ काम आगे बढ़ा, तभी तो पब्लिक उसको एक्सेप्ट की। 6 साल बाद उसको MP बना रही है, तो बूथ लूट के कोई MP बन जाए तो आप बता दीजिए, बहुत सारे माफिया, इनसे बड़े बड़े माफिया पड़े हुए थे, कहाँ नहीं बन गए। उमाशंकर बाबू उससे बड़ा कौन था सिवान में, क्यों नहीं बन पाए। अगर भूत लूट के करना था तो दबंगई ठाकुर लोगों के, मैंने इनका ही शहाबुद्दीन का ही स्टेटमेंट है कि ठाकुर किसी से डरते नहीं, तब तो उनको बनना चाहिए था ना, लेकिन पब्लिक नहीं एक्सेप्ट की। पब्लिक देख रही है कि भाई हमको चाहिए, हमारे बीच का हो, हमारे साथ रहने वाला हो। शहाबुद्दीन एक किसी का न्योता नहीं छोड़ते थे, छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, सब कोई भी हो। आपको बताते हैं कि एज ए विधायक बस से पटना जाते थे, बस से ही सिवान आते थे जब विधायक थे, तो विधायक थे तो बाकी लोग गाड़ी से जाया करते थे। उसका गवाह है, साथ में हम सफर करने वाले हैं पटना, तभी तो वो जीरो से हीरो बन गए। वही चीज ना, पटना से सिवान आना, सिवान से फिर 5 सुबह में बस पकड़ के पटना पहुंचना। शहाबुद्दीन एक अलग चीज थे, वही दिन था कि वो 90 और 95 का जो दशक था वो उनको देश का हीरो बनाया। चलिए अब आगे हम फिर बात करेंगे, ये तो चौथे एपिसोड में हम लोग थे, इस एपिसोड को हम लोग लंबा लेकर चलेंगे और पूरी अंत तक की कहानी हम बताएंगे। आपने देखा कि चौथे एपिसोड में हम मोहम्मद शहाबुद्दीन से जुड़ी तमाम तरह की देखिए रोचक कहानियां हैं, अगर आप गौर से सुनेंगे तो वाकई इंटरेस्टिंग कहानी है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। अगर 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल के जो लड़के हैं वो नहीं जानते हैं कि शहाबुद्दीन क्या चीज़ थे। बस शहाबुद्दीन के बारे में पूरे देश में एक यह मैसेज चला गया कि शहाबुद्दीन डॉन है, शहाबुद्दीन अपराधी है, शहाबुद्दीन क्रिमिनल है, लेकिन किस तरीके से वो किसके लिए लड़ाई लड़े और आखिरकार सबसे बड़ी बात है कि किसी से वो समझौता नहीं किए। अगर शहाबुद्दीन
नीतीश कुमार से समझौता कर लिए होते तो शायद वो फिर से जनता के बीच होते। खैर वो उनकी अपनी बात थी, और इसी तरीके से चौथे एपिसोड में ये तमाम कहानियां हमने आप तक पहुंचाई है। इसी तरीके से आप लोग इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और प्रतिदिन हम कोशिश करेंगे कि प्रतिदिन हम आपको मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में अजय तिवारी जी से तमाम वो चीज़ें जो जानकारी नहीं है वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। इसी तरीके से ATN लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के कार्यक्रम को और भी हम आगे बढ़ें।